ओम नमः शिवाय। नमस्कार। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभिहता निशाचर चमु, रामाय तस्मै नमः। राम नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहं, रामे चेत्तलया सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया का खास प्रोग्राम भविष्यवाणी। आपके साथ मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा, लेकर आया हूं आपका साप्ताहिक राशिफल। तो आइए जानते हैं इस हफ्ते किस राशि के जातक को क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले देखते हैं मेष राशि। तो मेष राशि के जो जातक हैं उनको इस सप्ताह अचानक से कुछ उलझने आएंगी। इस पूरे सप्ताह आप अपने हितों की उपेक्षा ना करें। सप्ताह के शुरुआत में व्यापारियों के लिए आर्थिक समस्याएं रहेंगी। शेयर बाजार, कमीशन आदि से जुड़े काम करने वालों को कुछ झमेले भी आ सकते हैं। 20 अक्टूबर को अपेक्षा के अनुरूप कार्य नहीं होंगे, लोगों का पूरा सहयोग नहीं मिल पाएगा और प्रेम प्रसंग और पारिवारिक मामलों में भावुकता में कोई भी कदम ना उठाएं। तो आपके लिए शुभ उपाय है कि आप अपने गुरुजनों को कुछ गिफ्ट देकर खुश रखें। अब आते हैं वृषभ राशि। तो वृषभ राशि के जो जातक हैं उनका आधी छोड़ सारी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे। इस सप्ताह इन पंक्तियों को ना भूलें। इस सप्ताह आप भाग्य भरोसे या फिर दूसरों के भरोसे ना रहें, अपनी समस्याओं का समाधान खुद ही खोजें। और 24 अक्टूबर के बाद व्यवसाय से जुड़े लोगों को अपेक्षा के मुताबिक लाभ होगा। छात्रों, युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे, परीक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी और दाम्पत्य जीवन में मिठास भी बनी रहेगी। सप्ताह के अंत में आपको अपनी पत्नी की सेहत का विशेष ख्याल रखना होगा। तो आइए, आपके लिए शुभ उपाय है कि आप नित्य प्रति गाय के लिए हरा चारा खिलाएं। अब आते हैं मिथुन राशि। तो मिथुन राशि के जो जातक हैं इस सप्ताह तीज त्यौहार के मौके पर परिवार के सभी सदस्यों के इकट्ठा होने से अधिकांश समय आपका हंसी खुशी के साथ बीतेगा और योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर कारोबार में, करियर में गतिशीलता आएगी। महिला प्रोफेशनलों का समय बहुत ही बढ़िया है। व्यवसाय से जुड़े लोगों को सप्ताह के पूर्वार्ध में अपेक्षा से अधिक लाभ होने की आशंका है, संभावना है। 24 अक्टूबर को किसी बात को लेकर मन थोड़ा अशांत रह सकता है। इस दौरान वाहन, कपड़े और सोने चांदी का काम करने वालों को अपेक्षाकृत लाभ नहीं मिल पाने से मन में उदासी छाई रहेगी। तो आपके लिए शुभ उपाय है कि नित्य प्रति भगवान शिव पर दूध मिश्रित जल चढ़ाएं। अब आते हैं कर्क राशि। तो कर्क राशि के जो जातक हैं उनको इस सप्ताह सुख सपना, दुख बुलबुला, दोनों टूटे एक समान। जी हाँ, इस सप्ताह इस सच्चाई को समझकर चलना होगा और कर्क राशि के लिए यह सप्ताह मध्यम फल देने वाला होगा। सप्ताह की शुरुआत में खान पान का विशेष ख्याल रखें। पारिवारिक समस्याओं का समाधान खोजते समय बड़े बुजुर्गों की भावनाओं का विशेष ध्यान रखें। कारोबार में सोच समझकर ही धन निवेश करें और नौकरी पेशा लोगों की व्यस्तता बनी रहेगी। छात्रों और युवाओं का अधिकांश समय मौज मस्ती करते बीतेगा। किसी मित्र की मदद से प्रेम प्रसंग में भी सफलता मिलेगी। तो आपके लिए शुभ उपाय है कि अपने साथी के लिए चांदी की बतख का जोड़ा गिफ्ट करने से आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी। अब आते हैं सिंह राशि। तो सिंह राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत अत्यधिक शुभ और लाभप्रद साबित होगी। कारोबार में अपेक्षा से अधिक लाभ होगा और करियर से संबंधित चिंता दूर होने से मन भी प्रसन्न रहेगा।
संतान पक्ष से कोई सुखद समाचार सुनने को मिलेगा, लेकिन 22 अक्टूबर के बाद आपको सतर्क रहने की जरूरत रहेगी। इस दौरान आपको लोगों से आश्वासन ज्यादा और मदद कम मिलेगी। पारिवारिक समस्याओं के चलते मन खिन्न भी रहेगा। व्यवसाय से जुड़े लोग इस दौरान लेन देन में सावधानी बरतें। विशेष रूप से मार्केटिंग और फाइनेंस से जुड़े लोगों के लिए समय अत्यधिक चुनौतीपूर्ण रहेगा। तो आपके लिए शुभ उपाय है कि आप किसी भी मंदिर में 1.25 किलो गुड़ का दान करें। अब आते हैं कन्या राशि। तो कन्या राशि के जो जातक हैं, यदि एक कदम पीछे करने से 2 कदम आगे बढ़ जाने की संभावना बन रही है, तो आप इसमें बिल्कुल भी संकोच ना करें। इस सप्ताह अपनी ईगो को किनारे रखकर काम करने पर सफलता की संभावना बनेगी। मित्रों और परिजनों के साथ मिलजुल कर काम करने पर आपको लाभ होगा। छात्रों युवाओं को रोजी रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। इस सप्ताह आपके द्वारा किए गए कार्यों का भविष्य में बेहतर परिणाम भी मिलेगा। हालांकि धन संबंधी मामलों में पूरी सावधानी बरतें। पूंजी निवेश व सट्टेबाजी में अधिक जोखिम उठाने से आपको बचना होगा और महिलाओं का अधिकांश समय धार्मिक कार्यों में बीतेगा। तो आपके लिए शुभ उपाय है कि आप साबित मूंग किसी गरीब के लिए दान करें। अब आते हैं तुला राशि। तो तुला राशि के जो जातक हैं, उनको इस सप्ताह उम्मीद से भी कहीं ज्यादा लाभ मिलने का योग है। कारोबार में अप्रत्याशित लाभ के साथ आर्थिक स्थिति में सुधार के अवसर मिलेंगे। 22 अक्टूबर के बाद बेरोजगार युवकों को नौकरी के अवसर मिलेंगे। कार्यक्षेत्र में भी अधिकारी वर्ग का पूरा सहयोग मिलेगा और लघु उद्योग से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल है। कारोबार में वृद्धि के लिए आर्थिक सहायता मिल सकती है। किसी परिजन की मदद से प्रेम संबंध विवाह में भी बदल सकता है। सप्ताह के अंत में छोटी लेकिन लाभ पर यात्रा संभव है। तो आपके लिए शुभ उपाय है कि आप नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ करें। अब आते हैं वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, इस सप्ताह उनके लिए आलस्य छोड़कर कार्य को समय पर करना होगा, अन्यथा लाभ के अवसर आपके हाथ से निकल सकते हैं। कार्यक्षेत्र में दूसरों के भरोसे ना रहें, अन्यथा आपके साथ धोखा भी हो सकता है। व्यापारियों के लिए यह सप्ताह मिश्रित फलदायक है। जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी से जुड़े काम करने वालों को कुछ एक अड़चने भी आ सकती हैं और प्रेम प्रसंग में अपनी भावनाओं पर काबू रखें, अन्यथा आपकी बात भी बिगड़ सकती है। छात्रों को कठिन परिश्रम पर ही सफलता के योग हैं और इस सप्ताह पिता की सेहत का आपको विशेष ख्याल रखना है। तो आपके लिए शुभ उपाय है किसी देवी मंदिर में लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं। अब आते हैं धनु राशि। तो धनु राशि के जो जातक हैं, उन पर इस सप्ताह धन की देवी महालक्ष्मी जी पूरी तरह से सप्ताह भर मेहरबान रहेंगी। कार्यों में मिलने वाली सफलता के कारण आपके चेहरे पर भी तेज बना रहेगा और धार्मिक सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। 25 अक्टूबर को काफी व्यस्तता रहेगी। इस दौरान आप अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखें। साथ ही भूमि भवन और वाहन की आदि की खरीदारी करते समय थोड़ा सोच समझकर ही फैसला लें। नौकरी पेशा लोगों को आर्थिक लाभ के योग बनेंगे और बेरोजगार युवकों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। प्रेम प्रसंग और दाम्पत्य जीवन में मधुरता भी छाई रहेगी। तो आपके लिए शुभ उपाय है कि आप नित्य प्रति पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं। अब आती है मकर राशि। तो मकर राशि के जो जातक हैं, इस सप्ताह उनको किसी के फटे में टांग अड़ाने से बचना चाहिए, अन्यथा आपको लेने के देने भी पड़ सकते हैं। इस बात का पूरा ख्याल रखें कि बात से बात बनेगी और बात से बात बिगड़ेगी। ऐसे में पूरे सप्ताह अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा। 23 अक्टूबर को सहयोगियों के प्रपंच से कुछ एक गलत फहमियाँ पैदा हो सकती हैं। व्यवसाय से जुड़े लोगों की उधार वसूली में कुछ देरी भी हो सकती है और वाहन के पार्ट्स का व्यवसाय करने वालों का अपेक्षा के मुताबिक कम लाभ मिलेगा। महिला वर्ग को हड्डियों से संबंधित कुछ एक दिक्कत भी हो सकती है। तो आपके लिए शुभ उपाय है कि आप नित्य प्रति भगवान शिव पर जल चढ़ाएं। अब आते हैं कुंभ राशि। तो कुंभ राशि के जो जातक हैं, उनके सप्ताह की शुरुआत पारिवारिक समस्याओं के साथ मन चिंतित रहेगा।
व्यवसाय से जुड़े लोगों को बाजार में प्रतिस्पर्धा का सामना भी करना पड़ेगा और नौकरी पेशा लोगों को अपने अधिकारियों की नाराजगी का सामना भी करना पड़ सकता है। दलाली या एजेंसी का काम करने वालों के सामने कुछ चुनौतियां बनी रहेंगी। सप्ताह के अंत में चाहे अनचाहे कहीं लंबी दूरी की यात्रा भी हो सकती है और कठिन समय में जीवन साथी के साथ खड़े रहने पर आप राहत भी महसूस करेंगे। प्रेम प्रसंग में गलतफहमियां दूर होंगी। खान पान का विशेष ख्याल रखें। पेट संबंधी आपको दिक्कतें भी हो सकती हैं, तो आपके लिए उपाय है कि आप नित्य प्रति आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। अब आते हैं मीन राशि। तो इस सप्ताह मीन राशि के जो जातक हैं उनको अपनी क्षमता के अनुसार अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने का पूर्ण अवसर मिलेगा। पूर्व में चले आ रहे विवादों का समाधान होने से आपका मन भी प्रसन्न रहेगा और व्यापारियों को अपना नेटवर्क बढ़ाने या बड़े नेटवर्क से जुड़ने के प्रस्ताव मिलेंगे। नौकरी पेशा लोगों का समय मध्यम है और सप्ताह के अंत में किसी मित्र की मदद से आप प्रेम संबंधों में भी आ रही गलतफहमियों से दूर होंगे। घर में कोई धार्मिक कार्य भी संपन्न हो सकता है, तो आपके लिए शुभ उपाय है कि आप नित्य प्रति भगवान विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें। आज के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर मिलते हैं आपके नए राशिफल के साथ। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। मंत्रार्था सफला संतु मनोरथा शत्रुणां बुद्धिनाशाय मित्राणां मुदीयस्तव।